इंटरनेशनल लॉ में जब हम पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे इंटरनेशनल लॉ, तो उसमें एक बास में पकड़ा था हॉट परस्यूट, हॉट परस्यूट ठेठ तक पीछा था। इसके कई एग्रीमेंट हो चुके हैं, चेकोस्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, जर्मनी, फ्रांस, क्यूबा और आसपास के लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, वहाँ पढ़ाते थे। कि एक डकैत क्यूबा में आके डकैती करता है, हत्या करता है, वो भाग के किसी पड़ोसी देश में चला जाता है, तो क्यूबा की पुलिस उसका पीछा करते 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 उस देश के किसी भी मोहल्ले पर घुस सकती है, उसको पकड़ सकती है, मार सकती है। दिस इज कॉल्ड एज हॉट परस्यूट, ठेठ तक पीछा करना, और जब मामला गर्म हो तब पीछा करना, जब ठंडा हो जाए, अब 8 दिन में ठंडा हो गया मामला, अरे जब गर्म है तब कर 3:37 हमारी फौज पर हमला। अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ तो सुबह सूर्योदय के पहले उसकी जड़ को मट्ठा मिला दे, चाहे बहावलपुर में होती, चाहे कंधार में होती, चाहे काबुल में होती, चाहे इस्लामाबाद, पायलट ने प्लेन छोड़कर बम्बर जो होगा आप लिखते हैं, अगर आप ये कर देते सारी दुनिया आपका साथ, आप इंटरनेशनल लॉ को वायलेट नहीं करते। इंटरनेशनल लॉ कहता है हॉट परस्यूट, आप कहते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब पता है? सर्जिकल स्ट्राइक किसको कहते हैं? आपको किसी अफसर ने समझा दिया मैं तो उसको सर्जिकल स्ट्राइक, फर्जी है सर्जिकल स्ट्राइक करे, उसके बाद 300 बार आपकी बॉर्डर वायलेट हो गए, मजाक है, आपके 100 जवान मारे हैं, मजाक है। अरे एक सर्जिकल स्ट्राइक इजराइल ने की थी 1967, 400 एरोप्लेन खड़े थे, 400 साफ कर दिए, 10 आज तक इजिप्ट ने करवट लिया 1967, और वो दृश्य मेरी आंखों के सामने है। सब प्रभाव से बैठा पीएचडी करना था उस जमाने, जैसे ही वो इसराइल ने मार दिया, सारा जो अरब जगत थर होश फाक था। उसके बाद किसी देश ने हिम्मत नहीं की, अदायगी वगैरह करते रहे, किसी देश ने हिम्मत नहीं की, किसी सरकार सऊदी अरब ने जो अपने आप को अरबों का सबसे बड़ा नेता समझता है, उसने भी रेजिस्टेंस हटाया, उसको कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। ठीक है सर जी, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक करने का तो मौका आज था कि आपके 40-44 जवान मारे गए, आप उसी वक्त अंदर पूरी दुनिया के साथ, अभी भी मैं तो समझता हूँ कि मौका तय है। इमरान खान को बोलना चाहिए कि हम जो आप पे हमला नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान का कोई फ्रेंड नहीं, हम आतंकवाद में बहुत कर रहे हैं, जिनको आप खत्म करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, आपकी मजबूर क्योंकि आप अपनी खोज पर नहीं करते। हम पाकिस्तान की जनता की मदद करें, जितने लोग आतंकवाद से मरे मारे जाते उससे कई गुना ज़्यादा पाकिस्तान में, इतना पैसा आतंकवाद के निरोध पर हम खर्च करते हैं उससे ज़्यादा आपको करना, आपके पास तो पैसे भी नहीं है, आपको भीख मांग रहा है लोगों से विदेशों से, हम आपकी मदद करेंगे आतंकवाद की। जब जब ओसामा बिन लादेन को मारा जा सकता है समझाइश से, बातचीत से, तो जैश मोहम्मद के लोगों को क्यों नहीं साफ किया जा सकता? लेकिन इस तरह का सोच होता इस तरह, ऐसे मसला राम मंदिर का है, थोड़ा सा मैं इस पर बोलता हूँ राम मंदिर का, क्योंकि हमारे पत्रकार बंधु बहुत जागरूक हैं, लेकिन इतिहास की कुछ बातें उनको भी जानना चाहिए। राम मंदिर का मसला, ये मैं विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी, जो बिल्कुल मेरे बहुत परम मित्र थे, बड़े भाई की तरह थे, उनको भी मिल जाता कि भाई साहब ये हिंदू और मुसलमान का मसला ही, राम मंदिर का अयोध्या का मसला हिंदू और मुसलमान का मसला ही नहीं, इसका कुछ लेना देना नहीं हिंदू और मुसलमान, ये मसला है देशी और विदेशी। एक विदेशी हमलावर आता है किसी भी देश में, हमारी
किसी भी देश को जाए तीन काम करता है। सबसे पहले उस देश के जो श्रद्धा के पूजा स्थल है उनको तोड़ता है, दूसरा काम वो करता है स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, ह्यूमिलिएट कर अपमानित करने के लिए शर्मिंदा करने विल पावर को तोड़ना, तीसरा काम आतदायी हमला एग्रेसिव जो करना है आपकी संपत्ति को, ये तीनों काम करते हैं बाबर ने, तीनों काम किए। इसमें हिंदू मुसलमान का क्या नहीं है? अरे पहले तो वो अफगानिस्तान पोश में पैदा हुआ था, किर्गिस्तान के बॉर्डर पोश पोश में पैदा हुआ, 16 साल की उम्र में बड़ा दशक काम आया, पहले उज्बेकिस्तान को निकाल के वहाँ से अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में कई मस्जिदें छोड़ी उसको हिंदुओं की थी, पठान औरतों के साथ क्या किया पूरा अफगान किया, ऊंट पर लाद डाल कंधा इतना मालूम महाभारत के जमाने से कंधार एक संपन्न नगर थी, सारा ऊंट के ऊपर वहां पर मंदिर थे वो हिंदू थे क्या, वो पूजा पाठ करते थे क्या पठान। अब हमारे यहाँ जब मंदिरों मस्जिद का मसला आता है तो ऐतिहासिक दृष्टि की कमी के कारण उसको हम हिंदू मुसलमान का मसला आता है और औरंगजेब की निंदा करते हैं कि बड़ा एंटी हिंदू था। अरे भाई मालूम है औरंगजेब ने बीजापुर की मस्जिद जामा मस्जिद पूरी ढा दी जमीन के साथ मिला, क्यों मुसलमान ही पक्का इस्लाम क्या पावर बीजापुर का जो नवाब था उसे जो उसको वादा पतित करना चाहता था उसको गिरा दिया। आप देखिए इतिहास को इस नजर से देखिए, राष्ट्रीय नजर से उसको सांप्रदायिक नजर से ना देखिए। आज राम मंदिर का मसला भी इतना गंभीर मसला है कि अगर आप इस मसले को सांप्रदायिक नजर से देखें और सांप्रदायिक नजर से हल करें तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप ऐसा न अगर ऐसा करें आप एक दूसरे पाकिस्तान के बीज बोएंगे, आप जबरदस्ती करेंगे जो हो रहे यही हो रहा है। मन में लोग गांठ बांधते हैं, जब जनसंख्या बढ़ेगी समस्याएं बढ़ेंगी तो वही बहाना बन जाएगा बगावत का बहाना। वरना अभी मेरा एक सुझाव 1993 में जब ये मामला अदालत में आया तो नरसिंह राव जी और हमने बैठ कर उसकी योजना बनाई थी। जिस दिन वो भाषा ठा है मस्जिद 6 दिसंबर को मैं तब पीटीआई भाषा का संपादक था, इतवार का दिन था, पूरा दिन रात के 11 बजे तक मैंने भोजन तो नहीं किया, सारे नेताओं से निरंतर मेरी बात हुई। नरसिंह राव जी से मैं समझता हूँ कि दिन में 4-5 बार फोन पर लंबी बात हुई, अटल जी से बात हुई, कल्याण सिंह वहाँ मुख्यमंत्री थे उनसे कई बार कल्याण सिंह का फोन पे फोन आया, सत्यनारायण रेड्डी उस समय राज्यपाल वो मेरे पुराने मित्र थे लोहिया जी के शिष्य थे हैदराबाद के, सत्यनारायण रेड्डी राज्यपाल के बराबर मुझे पता है कि उस दिन क्या हुआ। अगर हम आज नरसिंह राव जी से हमने कहा तो मेरे परम मित्र थे रोज ही बात रोज दिन में रोज उनसे मैंने कहा कि ये 2.5 एकड़ से मामला सुलझेगा कि आसपास की सारी जमीन ले लीजिए और यहाँ हमें विश्व धर्मस्थल दर्जनों मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे जैन बौद्ध कई चीजें बना, पारसियों का भी बना, जरदुष्ती स्वर्गीय अंदर पुतला खड़ा, यूनान के भी जो धर्म है, जापान के भी धर्म है, जो चीन के धर्म है, एक विश्व स्तर का पूजा केंद्र बना दिया। तो वो 67 एकड़ और ये कल्पना की गई यहाँ एक बहुत बढ़िया सर्वधर्म संग्रहालय बन गए लोगों के ठहरने के लिए,
Dios está con nosotros. Hay días que Dios se hay de Cuba. Ya, Bharat bhi ek ajuba hai, adbhut desh, sab dharm samabhav, jaisa Gandhi ji kehte hain. Aur mandir ki jagah, aap usko Ram Janmabhoomi mante ho, to theek hai. Are 10 ekad mein mandir bana, 2-2 ekad mein 4-4, 5-5 ekad mein aur sare dharmon ke mandir. Aisa mandir banao ki Taj Mahal bhi paani mein hai. Hindustan aane wala har aadmi kahe ki hum pehle Ayodhya jaye, har tourist kahe ki pehle mere liye Ayodhya ka trip na ho. तब आप सारे मुस्लिम हो गए. आज ये दूसरा मसला है पुलवामा के बाद और पुलवामा से पहले भी था कि इस पर अगर सरकार कुछ कर दे तो हो सकता है कि उसको 272 या 300 से कर दी. और ये मामला अगर बिगड़ जाए अदालत का पता नहीं क्या रवैया बना, स्वयंसेवकों का पता नहीं क्या रवैया बना, विश्व हिंदू परिषद का पता नहीं क्या रवैया बना, उनके रवैयों में भी आपस में कोई एकदम तालमेल दिखाई नहीं पड़ता. साधु संतों का क्या रवैया, कुछ पता